तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों गुरुकुल में साथ में थे, और जब वो साथ थे तो उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि द्रुपद ने खुश होकर एक दिन कह दिया कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे अपने गुरुकुल से और अपने अपने घर जाएंगे तो वहां पे मैं राजा बन जाऊंगा, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा, द्रोणाचार्य को। तो द्रोणा था उसका नाम तब, तो द्रोणा और द्रुपद दोनों पूर्व कौन में थे। तो ये बात द्रोणाचार्य को याद रही, और जब ग्रेजुएट होकर चले गए अपने अपने घर, तो एक बारी ऐसी सिचुएशन हुई कि द्रोणा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जनरली बड़े सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल में कभी कभार बहुत गरीब भी हो जाते हैं ब्राह्मण। तो द्रोणाचार्य की ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो काफी ज्यादा गरीब हो गए। जनरली ब्राह्मण दे हैव टू लिव ऑन चैरिटी, उनको दान दक्षिणा में जीवन व्यतीत करना होता है, और उनका काम क्या होता है ब्राह्मण का, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, मतलब के शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना और उनको सिखाना स्क्रिप्चर्स को, और पठन पाठन यजन यज्ञ वगैरह करना, भगवान की कैसे टेंपल में सेवा करनी है वो सब करना, और लोगों को सिखाना कि कैसे जप करना है कैसे ये सब। और तीसरा होता है दान प्रतिग्रह, मतलब कि एक्सेप्ट चैरिटी एंड गिव चैरिटी। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो लेते हैं दान और फिर आगे देते हैं, तो ये सारी चीजें में निपुण होते हैं, ये उनके काम होता है। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जब बिल्कुल चैरिटी वगैरह मिलती नहीं है, तो बहुत गरीबी में भी कई बार रहना पड़ता है ब्राह्मण को। तो ऐसा ही सिचुएशन कुछ हुआ द्रोणाचार्य के साथ, जो वो काफी गरीब हो गए थे, इतना कि उनके पास खाने पीने के लिए भी बच्चों को प्रॉपरली खिला नहीं पा रहे थे, वो अश्वत्थामा को जो उनका बेटा है अश्वत्थामा। तो उनको याद आया, अच्छा हाँ मेरे को एक बार द्रुपद ने बचपन में कहा था ये, चलो मैं चलता हूँ उसके घर। तो गए और वहां द्रुपद के पास गए, तो द्रुपद ने उनका इंसल्ट करी, उनका उपहास उड़ाया, और इंसल्ट में उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम एक सिंपल से व्यक्ति हो और तुम राजा के साथ इक्वल करने की बात कर रहे हो, हाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम चैरिटी वगैरह मांगो मैं थोड़ी चैरिटी दे दूंगा तुम्हें, तुम कहाँ राजगद्दी और राजा बनने के इसमें कर रहे हो, ये सब चीजें सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। वैसे उसको इंसल्ट कर दिया। अब द्रोणाचार्य को ये बात बहुत ज्यादा फील हो गई, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कैसी सिचुएशन हुई थी जब कृष्ण के घर सुदामा आए थे। सुदामा भी गरीब थे, सुदामा को भी समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें, तो सुदामा ने आगे मांगा भी नहीं था कुछ कृष्णा से, लेकिन फिर भी कृष्णा ने कैसे उनको वेलकम किया, कैसे उनके चरण धोए और कैसे उनको सबसे हाईएस्ट चीज जो थी ऑफर करी, और फिर उसके बाद उनके बिना मांगे ही कितना कुछ दे दिया। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ द्रोणाचार्य आए, एक तो उन्होंने मांगा, सुदामा ने मांगा भी नहीं था। तो दोनों की सिचुएशन से हम सीख सकते हैं कि कैसे सुदामा ने बिहेव किया, कैसे द्रोणाचार्य ने बिहेव किया, और कैसे द्रुपद ने बिहेव किया, और कैसे कृष्णा ने बिहेव किया। एनीवेज, जब द्रुपद चले गए वापस, सॉरी द्रोणाचार्य चले गए वापस आगे, तो उनको मिले रास्ते में ही केम अक्रॉस द पांडवस एंड कौरवस, उनको हस्तिनापुर का राज्य रास्ते में आया, और वहां पे जो भीष्म थे, बड़ी लंबी कहानी है मगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, भीष्म जानते थे, उन्होंने सुना था क्योंकि भीष्म राजा थे, उनको पता था कि कौन कौन बहुत पावरफुल योद्धा हैं ब्राह्मण में और क्षत्रिय में, तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। तो उनको पता लगा अच्छा द्रोणाचार्य जो है वो इस एरिया में आए हुए हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि द्रोणाचार्य आप तो बहुत ही अच्छे आचार्य बन सकते हो हमारे बालकों के लिए। तो उन्होंने उनको रिक्रूट किया अपने ट्रेनिंग के लिए, और वहां पे द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी एक बहुत अच्छा गुरुकुल एस्टैब्लिश किया, पूरी अकेडमी एस्टैब्लिश कर दी, और वो बहुत हाईएस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गया था, जैसे आजकल जाते हैं ना आईवी लीग
इंस्टीट्यूट वैसे द्रोणाचार्य का था, दूर दूर से लोग आते थे उनके पास सीखने के लिए। तो द्रोणाचार्य इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते थे सबको कि सब बहुत ज्यादा वॉरफेयर में और स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा सीख गए। तो जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उन्होंने पूछा अब हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। देखो पहले का कल्चर कितना कितना डिफरेंट था अभी से। जो टीचर्स हैं वो पैसे नहीं मांग रहे, वो सिर्फ सिखा रहे सेल्फलेसली, और अपने आप लोग चैरिटी आके देते हैं उनको जितना अच्छा सिखाए। और जो शिष्य हैं वो ये नहीं सीखने के बाद ये कहते हैं चल भाई हो गया इसका, और वो अपने टीचर के नाम ले लेके उनके मजाक नहीं उड़ाते। क्यों? क्योंकि प्यार का बड़ा रिश्ता है। जैसे पेरेंट्स से होता है प्यार, वैसे ही टीचर से भी होता है। तो ये रिलेशनशिप था पहले। तो द्रोणाचार्य ने जब सिखा दिया और सब ग्रेजुएट हो गए तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अब गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें। उन्होंने देखो ऐसा है, गुरु दक्षिणा के लिए आप द्रुपद जो है ना उसको कैप्चर करके फाइट करो उसके साथ, कैप्चर करके मेरे पास लेके आओ। तो दुर्योधन ने कहा मैं अभी पकड़ के लेकर आता हूँ उसको, मैं आपके सामने चरणों में डालता हूँ। अब दुर्योधन पूरी अपनी सेना के साथ गया, उसके सारे कौरव भाई थे, इवन करणा भी था उनके साथ, सबके सब गए। और द्रुपद और उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मिडेबल आर्मी थी उनकी कि हरा नहीं पाए, वापस आ गए हार। तो जब हार के वापस आए तो फिर पांडवों को भेजा, और पांडव जो थे वो कोई आर्मी के साथ नहीं गए, बस ये पांच गए। और ये पांच जाके इन्होंने इजीली द्रुपद को, बहुत द्रुपद बहुत पावरफुल फाइटर था क्योंकि द्रोणाचार्य और वो साथ में थे स्कूल में, बहुत पावरफुल था, लेकिन फिर भी डिफीट कर दिया अर्जुन ने और पांडवों ने। और जब वो डिफीट हो गए तो उसको पकड़ के लेकर आए। लेकिन किस तरीके से उसने डिफीट किया, देखो उन्होंने ऐसे डिफीट किया कि इवन दो द्रुपद डिफीट तो हो गया बैटल में, लेकिन द्रुपद का जो हृदय था ना वो उन्होंने नहीं दुखाया, उसको बड़े रिस्पेक्टफुली डील किया द्रुपद के साथ। सो मच सो कि जो द्रुपद था वो अर्जुन को इतना लाइक करने लग गया कि उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं इसी से शादी कराता उसकी, कितना अच्छा है लड़का। जनरली ऐसे नहीं होता, जनरली कोई आपको हराए तो आप उसके दाना पानी लेके पीछे पड़ जाते हो कि इसकी ऐसी की तैसी करनी है किसी ना किसी तरह। लेकिन यहाँ पे द्रुपद की फीलिंग कोई अलग हो गई, और द्रुपद के मन में रिवेंज की भावना आई कि यार ये द्रोणाचार्य से लेना है रिवेंज, ये पांडु वगैरह की कोई गलती नहीं है, गलती असली है द्रोणा की, क्योंकि द्रोणा ने ऐसे इनको भेजा मेरे पास। तो उसके मन में ये रिवेंज की भावना चल रही थी, द्वेष की, कि कैसे मैं इसका हिसाब चुकता करूं। तो ये जो द्वेष की भावना होती है ना ये कभी पीसफुल नहीं रहने देती हमें, कभी खुश नहीं रहने देती हमें, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खासकर ये स्टोरी जो है ये बहुत एग्जाम्पल है इस चीज का कि कैसे द्वेष की भावना और ये रिवेंज की भावना अंदर से अंदर हमारे को ही जलाती रहती है, हमारे को ही प्रॉब्लम देती रहती है, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें गुस्से में रखती है। एंड गुस्सा मीन्स एंगर, एंगर वर्ड इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, डी एंगर। सो डेंजर, व्हेन एंगर कम्स यू शुड थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। एंगर का मतलब क्या है कि हमने एक उबलता हुआ कोयला लिया हुआ है गरम खोलता एकदम, और उसको हाथ में रखा हुआ है गरम गरम रेड हॉट कोयले को, और हम वेट कर रहे हैं कि हम सामने वाले के ऊपर फेंकेंगे, लेकिन वो हो क्या रहा है उतनी देर में, वो हमारे को ही जलाता जा रहा है। ये होती है रिवेंज की भावना, हमें ही अंदर से जलाती रहती है, ये होती है गुस्से की भावना। तो ऐसी भावना चल रही थी जो द्रुपद है उसके मन में। तो वो गया अलग अलग ब्राह्मणों के पास, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को आप मेरे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इसको मार सकूं। तो ब्राह्मणों ने सबने कहा ये क्या गलत चीजें कर रहे हो तुम, ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है और तुम सोच रहे हो कि तुम द्रोणा को मार दोगे, ये तो बिल्कुल अनुचित है, हम कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकते। फिर एक किसी तरह से एक ब्राह्मण अग्री हो गया, यज्ञ और उपयज्ञ के पास गए थे वो, और उसमें से एक ब्राह्मण किसी तरह से अग्री हो गए
कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, उसका उसको सिंपथी आ गई उससे, उसने कहा नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प करूँ, तो उसने कहा हाँ आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको बहुत डोनेशन दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो उस वक्त भी कई बार ऐसे कई गलत लोग हो जाते थे, अदरवाइज पीपल वर नॉट बिहाइंड मनी। आजकल क्या है, पैसे दो आप, आपको कई सारे ऑर्डिनरी लोग मिल जाते हैं, बट तब वैल्यूज की बात होती थी, कोई पैसे के पीछे इतने नहीं लोग भागते थे अच्छे लोग। तो यहाँ पे यज्ञ और उपयज्ञ ये दोनों भाई थे, इनके साथ किसी तरह से उन्होंने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो यज्ञ, लंबी स्टोरी है वो भी, बट फाइनली क्या हुआ, यज्ञ के अंदर से बहुत पावरफुल वॉरियर आया, एक फाइट करते हुए आया, यंग मैन था वो, एक नौजवान, मतलब छोटा ही था, यू कैन से टीनेज इयर्स का होगा, मतलब टीनेज तो नहीं था, न्यू बॉर्न ही था वो, ही वाज जस्ट कमिंग, बट ही वाज हैविंग अ फिजिक एंड अ बिल्ट अप लाइक अ बॉय। तो वो पावरफुल एकदम निकला उसके अंदर से, लड़ता हुआ बाहर, उसका नाम था दृष्टद्युम्न, और दृष्टद्युम्न के साथ एक और ब्यूटीफुल गर्ल निकली उसके अंदर, डार्क कॉम्प्लेक्शन था उसका थोड़ा सा, और बहुत ब्यूटीफुल थी, और उसका नाम था द्रौपदी। तो एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल और एक यंग बॉय उसके अंदर से आए, दोनों छोटे थे, और ये दोनों थे बेटा और बेटी जो कि द्रुपद के, द्रुपद ने इनका बहुत ध्यान रखा, और द्रुपद ने इसको बेस्ट एकेडमी में भेजना था सीखने के लिए। तो दृष्टिम को उसने कहां पे भेजा फिर, कौन बताएगा? द्रोणाचार्य के पास। करेक्ट, द्रोणाचार्य के पास ही भेज दिया उसने, और द्रोणाचार्य को भी अपने स्पाइस से और वो दूसरी तरीके से इंफॉर्मेशन आ गई थी कि भाई ये इसीलिए है कि कल को ये मेरे को ही मारेगा, लेकिन द्रोणाचार्य को पता था कि मेरा फर्ज है कि मुझे सिखाना है सही लोगों को, जो सही कैंडिडेट्स हैं, जिनकी नेचर है, जो एलिजिबल हैं, जो ऐसी लीनिएज में आ रहे हैं जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ऐसे लोगों को सिखाना है, और क्योंकि मेरी ड्यूटी है मैं उसके हट नहीं सकता, चाहे उससे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो, तो उसने सिखाया। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई कर्ण को क्यों नहीं सिखाया या एकलव्य को क्यों नहीं सिखाया, तो उस पर हम आएंगे बाद में, क्योंकि उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि द्रोणाचार्य वॉज द मैन ऑफ वैल्यूज ऑल्सो। हालांकि कई बारी उसने सही चीजें नहीं करी, बहुत बारी उसने गलतियां करी, बहुत बारी उसने गलत चीजें करी, बट इन जनरल ही वॉज नॉट नेसेसरली रॉन्ग। तो द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, सिखाया, और जब ग्रेजुएट हो गए, सब बड़े हो गए, तो द्रुपद मन में सोच रहे थे कि कैसे इससे रिवेंज लेना है, हमें कैसे रिवेंज लेंगे, द्रुपद उसके मन में ये था, और उसलिए जब दृष्टद्युम्न सब सीख लिया था, दृष्टद्युम्न ने तो पता लग गया था कि ये दृष्टद्युम्न उसको मारेगा। तो अब यहां पे द्रुपद का बेटा जब इसने बोला इस पर्टिकुलर श्लोक में तो दुर्योधन द्रुपद का बेटा बोलने के लिए यही इंडिकेट कर रहा था कि देखो तुमने कितनी गलती करी, बड़ी कितनी बड़ी गलती करी तुमने, देखो द्रुपद को सिखा के बेटे को सिखा दिया तुमने, अब देखो वो आ गया हमारे पास, आप क्या करोगे। तो ये बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति था दुर्योधन, तो ये बताना चाह रहा था सबको कि भाई बी केयरफुल, केयरफुल रहो तुम, यहाँ बड़ी सीरियस मैटर होने वाला, भी कोई मजाक में मत लो। पहले तो दुर्योधन ये सोच रहा था कि अरे मेरे सामने तो क्या ही पांडव रह सकते हैं, कुछ ज्यादा रह नहीं सकते, फिर उसने आर्मी देखी, उसने कहा यार ये तो बड़ी, इन्होंने भी काफी मतलब मैनेज कर लिया आर्मी। हालांकि दुर्योधन की आर्मी जो थी दैट वाज मोर देन 1.5 टाइम्स द आर्मी ऑफ पांडवास, तो पांडवास की आर्मी थी जो 7 अक्षोहिणी डिविजन्स की थी, 7 अक्षोहिणी डिविजन, और एक अक्षोहिणी डिवीजन में कई कई मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सोल्जर्स होते हैं।
तो सेवन अक्षौहिणी डिविजन हो गई, और जो दुर्योधन की आर्मी थी उसमें 11 अक्षौहिणी डिविजन थी, तो ये 11 और 7 की रेशियो थी। तो दुर्योधन आके बोलता है कि देखो अब गड़बड़ नहीं करना, पहले तुमने बड़ी मिस्टेक कर दी है, अब सीरियस रहना। तो इस पॉइंट को दुर्योधन यहाँ पे हाईलाइट करना, रिमाइंड कराना चाहता है कि देखो द्रुपद का बेटा है। तो इस पॉइंट्स, तो अब हम यहाँ पर्पट पढ़ेंगे। एनीबडी हु इज नॉट रेड, कोई आप में ऐसा है जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो पढ़ सकते हैं, मतलब पिछले एक दो दिन में जब भी हमने स्टार्ट किया तब से अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज पोपट के लिए यू कैन रीड। एनी वॉलंटियर्स? ओके, एनीबडी हु हैज इवन रेड दे कैन आल्सो रीड। Yes, please go ahead. Yeah, please go ahead. I was asking where you are. Probably conscious you are for third thing. Yes. हम third shloka का purport पढ़ रहे हैं आज. Okay, go ahead, Neela Mandi. It's okay. Purport. Duryodhan, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmin commander in chief. Dronacharya had some political quarrel with King Draupada, the father of Draupadi, who was Arjun's wife. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmin, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupad, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx, after having learned the art from Dronacharya. Duryodhan pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fight. By this, he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjun especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhan also wanted that such lenient the fight would lead to defeat, warned that such leniency in the fight would lead to defeat. Hare Krishna, very nice, thank you. Okay, anybody wants to ask any questions so far? Koi question? Basically jo humne discuss kiya wahi yahan pe purport mein bola gaya hai, aage aage jayenge to aur discussion karenge. तो बेसिकली आने वाले श्लोक में दुर्योधन जो है वो नाम लेगा कई सारे योद्धाओं का, और बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये बड़े पावरफुल हैं, आप ऐसे मत सोचो कि हमारी आर्मी बड़ी है तो हम हो जाएंगे, लीनियंट मत हो, यहाँ पे सब सीरियस रहो। बोल तो द्रोणाचार्य को, लेकिन बाकी लोगों को भी वो चाहता है कि सब सीरियस रहें, तो सबको बोल रहा कि देखो अब सीरियस होने का टाइम है। तो पहले तो वो बोलेगा उनकी आर्मी में कि ये जो है ना ये बड़े पावरफुल हैं, भीम जैसे कई सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, भीम और अर्जुन के जैसे। क्यों? क्योंकि भीम और अर्जुन का सबको पता था कि हाँ भाई ये तगड़े लोग हैं भीम और अर्जुन, लेकिन बाकियों का भी जिनका नहीं भी पता था दुर्योधन उनका भी हाईलाइट करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, उसने अपने स्पाइस भेजे थे, पूरे जासूसों से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी कि कौन कैसा है, तो ऐसे वो बोलता था। लेकिन जो दुर्योधन जब बोलने लगा थोड़े बहुत, फिर उसको लगा यार मैं इनको कहीं ज्यादा डीमोरलाइज ना कर दूं, तो उसने कहा अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन हमारी आर्मी भी कोई कम नहीं है, हमारे पास भी बड़े
तगड़े तगड़े योद्धा हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो अपनी बताता है कि देखो हमारे पास देखो कौन कौन है, तो अब आप सब के सब ऐसे करो। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे लोगों को थोड़ा सा केयरफुल भी कर दूं, वो केयरलेस ना हो जाए, लीनियंट, और साथ ही साथ उनको डीमोटिवेट भी ना हो, थोड़े मोटिवेटेड रहे वो फाइट करने के लिए। कहीं वो कहें भीमा और अर्जुन के जैसे ही अगर बाकी सारे भी हैं तो फिर तो हमारा काम खत्म। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे और ज्यादा अच्छे हैं, और हमारे पास भीष्मा है, उनके पास तो भीमा है, भीमा कच्चा है, कोई दम नहीं है उसमें। तो ये सब आने वाले श्लोक में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन और वीडियोस, वीडियो वीडियो। तो ये वीडियो क्या है, ये पॉइंट मैं बता दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे वेदव्यास आए और वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को कहा कि मैं आपको दे सकता हूँ विजन, आपको ये ऐसे दिव्य चक्षु दे सकता हूँ जिससे आप महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो सारा देख सको आप। धृतराष्ट्र ने कहा यार मैं पूरी जिंदगी अपने बच्चों को मैंने देखा नहीं, अब वो लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई में मतलब उसको ये डर था कि यही मरेंगे, हालांकि वो होप यही कर रहा था कि ये ना मरे, पांडव मर जाए लेकिन ये ना मरे, लेकिन उसको पता था कहीं ना कहीं यही होना है। तो उसने कहा यार अब मैंने पूरी जिंदगी इनकी शक्लें देखी नहीं, अब मैं उनको मरते हुए देखो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको दे दो, ये संजय यहाँ बैठेगा ही मेरे को बताएगा। उन्होंने ठीक है चलो मैं संजय को देता हूँ। तो कोई सोचे ये पता नहीं, ये यार इन लोगों की ना बनाई हुई चीजें हैं, सेंटिमेंटल, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशियस, माइथोलॉजी, ऐसे सब। ये अंग्रेज आए, मुगल्स आए, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को ब्रेन वॉश कर दिया हिंदुस्तानियों को। तो हिंदुस्तानियों को अपनी कल्चर पे, अपने वेदास पे, अपनी बुक्स पे कोई इतना विश्वास नहीं, उनको कोई ज्यादा, उनको बाहर की कोई चीज दिखा दो तो वो ठीक मान लेते हैं। जैसे क्रिश्चियंस अपनी बुक्स को कभी माइथोलॉजी नहीं कहते, बाइबल में इतनी सारी चीजें दी हुई है इधर उधर की, वो माइथोलॉजी नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारी बुक्स है वो माइथोलॉजी है, और हमारे लल्लू हिंदू जो है वो भी यही कहते हैं हाँ ये माइथोलॉजी है, ये मिथ है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मगर उनको ये नहीं पता कि ये जो मटेरियल साइंस है कोई सिद्धीज की, ये बड़ी कॉमन है। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विजन होती है, वो देख लेते हैं दूर से चीजें, ये योगीज होते हैं कितने कितने आते हैं, तो इससे कोई इंप्रेस नहीं होते। जो जो एडवांस होते हैं भगवद गीता की नॉलेज में, वो इन चीजों से इंप्रेस नहीं होते। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, ये राजीव मल्होत्रा है, बहुत फेमस राइटर है, वो जाके इंटरव्यू ले रहा है कुछ लोगों का, और वो लोग हैं